कपिल सिब्बल ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना, पूछा अच्छे दिन कहाँ हैं, भूल गए। कपिल सिब्बल ने पूछा कि आपने कहा कि अगला 5 साल देश के लिए स्वर्णिम काल होगा, लेकिन ऐसा किसके लिए होगा? क्या गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा होगा? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा मंगलवार को तिरंगा फहराने और भाषण देने के बाद चर्चित अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हमेशा की तरह एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस बार पीएम मोदी से पूछा कि अच्छे दिन कहाँ हैं, क्या उसे भूल गए। कपिल सिब्बल ने सवालिया लहजे में पूछा है कि लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को आपने कहा था हमें भ्रष्टाचार से छुटकारा पाना है, लेकिन आपके पास लगभग 10 साल थे, क्या हुआ? अच्छे दिन कहाँ हैं? देश में आपकी महंगाई आयातित है, बाजार में हमारी सब्जियां नहीं हैं, अब आप बता रहे हैं कि अगला 5 साल देश के लिए स्वर्णिम काल होगा, लेकिन ऐसा किसके लिए होगा? क्या गरीब, दलितों और अल्पसंख्यक के लिए ऐसा होगा या फिर किसी और का भला होगा? 13 अगस्त को पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता की जगह लाया गया भारतीय न्याय संहिता विधेयक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस की दमनकारी शक्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। एनडीए सरकार औपनिवेशिक युग के कानूनों को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन वो देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश के जजों को इससे सावधान रहने की सलाह देना चाहूंगा। भारतीय न्याय संहिता सहित 3 बिल देश को अंधकार में धकेलने वाले हैं। यह न्यायपालिका की आजादी के खिलाफ भी है, BNS असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र के अंतिम दिन भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 CRPC की जगह लेने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किया था। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा।